ओके बच्चों, वेलकम बैक। अरीशा ने मुझे इक्वेशन बना के भेज दी है। ओके अरीशा, सामिया आपने इक्वेशन बना के नहीं भेजी, जल्दी से लिख के भेजो मुझे इक्वेशन। अरीशा आप आगे बढ़े और मुझे आप सी की वैल्यू बताएं प्लीज, और फिर डी की वैल्यू बताइएगा। सामिया बेटा आप इक्वेशन लिख के भेजो मेरा बच्चा जल्दी से, शाबाश, ताकि हम आगे बढ़ सकें। ओके जी, आप सब लोग आ गए और मैं चला गया था, इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था, मैं वापस आ गया हूँ। मुझे अभी तक अरीशा ने इक्वेशन लिख के भेजी है और मैंने उसको गो अहेड दे दिया कि तुम आगे काम करो, सी और डी की वैल्यू निकालो। हेमन आप मुझे जल्दी से लिख के भेजें, मैसेज करें इक्वेशन। सामिया आप मुझे लिख के भेजें बेटा, और बिस्मा आप भी लिख के भेजें प्लीज, जल्दी जल्दी करा। सामिया ने भेजी पहली इक्वेशन, ओके। सामिया दूसरी भी लिख के भेजो। बिस्मा वेरी गुड मेरा बेटा। हेमन शाबाश। बिस्मा आपकी बारी। बिस्मा अगर मेरी आवाज सुन रही है, नहीं नहीं भाई मुझे आंसर नहीं, पहले इक्वेशन तो भेजो, मुझे क्या पता है आंसर कैसे आया, पहले इक्वेशन भेजो मुझे लिखकर। इसमें मुझे इक्वेशन, एमन वेरी गुड, अब तुम कंटिन्यू करो, दोनों इक्वेशन की लड़ाइयां कराओ, सी और डी की वैल्यू निकालो। और सामिया तुमने मुझे दूसरी लाइन लिख के नहीं भेजी, सी की लिख के भेज दी, डी लिख के नहीं भेजी सामिया ने। वेरी गुड बिस्मा, तुमने भी सही बनाई इक्वेशन, तो बिस्मा ने तो सी का जवाब भी निकाल दिया। जी मेरा बेटा बोलो। यस सर, मेरे पास भी आ गया, सी इज इक्वल टू 442.10। 442.10 ये सी की कॉस्ट है मेरा बेटा। यस सर। अच्छा चलो अभी चेक कर लेते हैं। अब अगर सबके जवाब देखो, इक्वेशन अल्हम्दुलिल्लाह सबने सही बोली है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे रोशनी डालूं तो मैं डालता हूं, वरना मैं अगला सवाल डिस्कस कर लूं आपसे, या फिर मैं इसको कंप्लीट करवा दूं, जैसे आप लोग बोलेंगे मैं वैसे काम करने को तैयार हूं। आप बताइए किस तरह से काम चाहते हैं आप लोग। सर इसी को कंप्लीट करवा दें। ओके मेरा बेटा, मैं इसको कंप्लीट भी कराऊंगा, मैं आपसे और डिस्कस भी करूंगा जो आप लोग चाहें। ये कौन सा ईयर है मेरा बेटा जो अभी हम देख रहे हैं, 2017 रेगुलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, सबसे पहले क्या बनानी है मेरे बच्चों हमें, इक्वेशन, ठीक है। तो हम कहते हैं ऑल्टर सेट रॉ, हम कहते हैं सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू, अच्छा जी किसके बराबर है सी और डी, चलें जी यहां लिखता हूं मैं, आवाज तो आ रही है ना, सी इज इक्वल टू जनाबे आली फोर हंड्रेड प्लस 10% ऑफ डी, और डी की कॉस्ट क्या है मेरे बच्चों, 200। जमा 50% ऑफ सी, राइट। अच्छा अब अगर ये समझ आ गया मेरे बच्चों, तो हमने इसको इक्वेशन को सॉल्व किया सबने यकीनन। तो मैंने कहा मैं एक काम करता हूँ, सी इज इक्वल टू में उठा के डी की वैल्यू रख देता हूँ, 400 प्लस 0.1 ब्रैकेट ऑन प्यारे बच्चों, 0 200 प्लस
डी की जगह आ गई, डी की पूरी वैल्यू 0.0 नहीं 0.5 और आगे लिख दिया सी। सही है मेरा बेटा, एग्री? सानिया कहती है डी की इक्वेशन समझा दें प्लीज। मेरा बेटा देखो डी की अपनी कॉस्ट क्या है, आओ सवाल तुम्हारे सामने लेकर आता हूं। डी की अपनी कॉस्ट है 200 और डी को सी देता है अपनी कॉस्ट का 50%। ये ऑफ गलत लिखा हुआ है, यहाँ टू लिखा हुआ होना चाहिए और कुछ लोगों की फेवर में टू लिखा हुआ भी है। सी की कॉस्ट कैसे बढ़ती है, सी अपनी कॉस्ट का 10% ए को देता है, 40% बी को देता है, तो 10 और 40 50 हो गया, बाकी 50 वो किसे देता है, डी को। तो डी की अपनी कॉस्ट 200 है और उसे 50% सी की कॉस्ट मिलती है। ओके चलो, ओके ओके आ गया, इसका मतलब है सानिया को समझ आ गया। ठीक है, तो फिर मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू किया। मैंने कहा अब क्या करूंगा, 0.1 से इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। एग्री? सी इज इक्वल टू 400 प्लस 0.1 को 200 से मल्टीप्लाई करके बताएंगे आप लोग मुझे क्या जवाब आता है। अनम्यूट कर लें प्लीज और बता दें, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 200 जवाब आया 20 प्लस 0.5 सी को, जब 0.5 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया, 0.5 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 0.05। सही है, यही है, और yes, सी लिख दिया। ठीक है मेरा बच्चा, ओके अब बताओ क्या कर सकता हूँ। 400 को प्लस कर सकते हैं 20, तो वहां से उठा के 0.05 को अभी नहीं लेकर आ रहा, अभी 420 जमा 0.05 सी। अब मैंने कहा इसको उठा के यहां ले आता हूं, यहां पे पहले से था सी, वहां से लाया 0.05 सी, माइनस साइन हो गई, उम्मीद करता हूं एतराज नहीं होगा आपको। और इसके आगे इज इक्वल टू और यहां 420। अब 1 माइनस 0.05 क्या बचा, 0.95 और यहां वही 420। सी इज इक्वल टू 420 डिवाइडेड बाय 0.95। सही है, और सी इज इक्वल टू 420 डिवाइडेड बाय 0.95, 442 रुपए। ये हमारा आ गया इक्वेशन 1 का आंसर। इक्वेशन 1 सी की वैल्यू निकल आई, 0.95 कैसे आया। देखो क्या कहते हैं मेरा बेटा, यहाँ सी से पहले क्या नंबर होता है बोलो सामिया, यहाँ सी से पहले क्या नंबर होता है, वेरिएबल है ना सी, तो यहाँ होता है 1, हाँ प्लस भी होता है और 1 भी होता है, और यहाँ सी से पहले 0.05 है, तो 1 माइनस 0.05 करो 0.95 आएगा, चेक कर लो। सही है मेरा बेटा। अब मैं कहता हूं यार सी की कॉस्ट निकाल ली ना, तो डी की इक्वेशन में जाके, डी की इक्वेशन में जाके इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 50% ऑफ डी की, सी की वैल्यू है कितनी, 442। सही है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको यूं लिखेंगे d is equal to 200 plus 50 0.0 0.5 bracket on 442 bracket close is equal to 200 plus 0.5 को 442 से मल्टीप्लाई किया 221 d is equal to 421। सही है मेरा बेटा। हेमन, सामिया, बिस्मा, आप सब लोग कंफर्टेबल हैं, दोनों की वैल्यू समझ आ गई? यस सर। अब टेबल बना लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे टेबल बनाने में। सर्विस डिपार्टमेंट का नाम बताओ क्या है बेटा, ए नहीं सीओडी, सी सीओडी, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ए और बी बी। सही है मेरा बेटा, और
ये वाले कॉलम को उड़ा देते हैं फिलहाल, सही है। ये सारी लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है। बताओ भाई सी की अपनी कॉस्ट क्या है? सी की अपनी कॉस्ट क्या है? 400 बी की कॉस्ट 200 ए की कॉस्ट 1200 बी की कॉस्ट 1400 अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट में पहले हम सी की कॉस्ट बांट रहे हैं। सी की कॉस्ट है 400, लेकिन हम बांटेंगे बोलो 442 बांटेंगे, बांट रहे हैं 442 तो यहाँ साइन आई माइनस, सही है। और जब हम ये बांटेंगे तो हमारे पास माइनस का 42 आ जाएगा, एग्री, सही है। yes, अब बांटो इसको, इज इक्वल टू, बताना जरा सी अपनी कॉस्ट का 442 का कितने परसेंट देगा इसे बी को? 40% सी अपनी कॉस्ट का 40% 40 तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सी अपनी कॉस्ट 10% है, डिपार्टमेंट बी को देगा 10%। यार तुम लोग मिस्टेक क्यों कर रहे हो? ये देखो मैंने कॉलम में क्या लिखा हुआ, परिणाम सर्विस डिपार्टमेंट डी लिखा हुआ है। कौन अपनी कॉस्ट बांट रहा है? सी बांट रहा है सर, 40% तो भाई सी अपनी कॉस्ट कैसे बांटता है? पढ़ो ना, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है बेवकूफ लोग। सी अपनी कॉस्ट किस तरह बांटता है? जब मैं ये पढ़ रहा था तुम लोग जवाब ही नहीं दे रहे थे और बोल रहे थे हम बोल रहे। सी अपनी कॉस्ट कैसे बांटता है बताओ? सी अपनी कॉस्ट का 10% देता है किसे? अभी भी नहीं बोल रहे, चुप है। या मुझे आवाज़ नहीं। 40% किसे देता है? सर हम बोल रहे हैं एक को। अच्छा बी को। और 50% किसे देता है? बी को। बी को। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 442 का डी को कितने परसेंट मिलेगा? आप लोग उल्टे सीधे जवाब दे रहे हैं। 50%। शुक्रिया, समझ आया? 221। यस सर। अब यहाँ पे क्या लिखूं? 442 मल्टीप्लाई बाय 10%। शुक्रिया। 10%। यहाँ पे क्या लिखूं मेरा बेटा? 442 मल्टीप्लाई बाय 40%। सही है मेरा बच्चा? और आप इसको जरा टोटल करके देखें, जीरो ही बन रहा है। इसका मतलब है पूरे 442 आपने बांट दिए, लेकिन इसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 400 इसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 421 जी। तो अब अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं और मैं यहाँ पे कर दूं आपको समझाने के लिए, सिर्फ एक अदद टोटल समझाने के लिए, जैसे हमने यहाँ किया हुआ है जैसे हमने यहाँ पर माइनस करके दिखाया, फिर पॉजिटिव आंसर माइनस में आएगा, इस पे माइनस नहीं लगाना, ठीक है? अच्छा तो मेरा बच्चा अगर हम इस तरह टोटल करके दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ 42 माइनस में आएगा। अब हम कौन से डिपार्टमेंट की कॉस्ट बांटें बताओ? डिपार्टमेंट डी की कॉस्ट। डिपार्टमेंट डी की। डी अपनी कॉस्ट कितने रुपए बांटेगा? 421, सही है? 21। ओके, तो मैंने यहाँ लिखा 421, कौन सी साइन मेरा बच्चा? माइनस। अच्छा।
तो बच्चों 421 लिख दिया। उसके बाद इस 421 का इसे कितना मिलेगा, सोच समझ के बोलना भाई, ये लो स्क्रीन के सामने ले आता हूँ। अब बताओ डी अपनी कॉस का सी को कितना देगा। एक होता है हम कहते हैं कि 10%, हाँ एक होता है हमारे अंदाज बोलने का बड़ा डिफरेंट है। इक्वेशन बनाते हुए ना हम कौन किसको देगा नहीं बोलते, इक्वेशन बनाते हुए हम कह रहे होते हैं, इक्वेशन बनाते हुए हम कह रहे होते हैं कि सी की अपनी कॉस्ट ये है और इसे डी का इतना मिलेगा, डी की अपनी कॉस्ट इतनी है और इसे सी का इतना मिलेगा, ऐसे कह रहे होते हैं। बट यहां पर हमारा अंदाज कहने का अलग होता है, डी की कॉस्ट है 421, ये अपनी कॉस्ट का सी को देगा 10%। शुक्रिया आप सब लोगों का कहने का। और यहाँ पर कितना देगा मेरा बच्चा, 80%। मैं तो आप लोगों से भी स्लो काम कर रहा हूँ। इज इक्वल टू 421 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये भी तुमसे जीरो बन जाएगा। सही है बच्चों, फाइनली कॉलम सही कर दूं। ये इन डिपार्टमेंट की कॉस्ट हो गई और ये 40,000 पंच हुआ है, इसको सही कर लेते हैं। ये यहाँ से आ जाएगा आपका 3,200। सही है मेरा बेटा, समझ आ गया हेमंत, समझ आया आपको। आवाज खराब हुई होगी शायद, इंटरनेट फिर डिस्टर्ब हुआ है। अब मैं डेटा कनेक्शन से पढ़ा रहा हूँ अलग है। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? अदिशा एक सर, दिशा एक सवाल और, एक सवाल और बता भेज दोगी। 2017 प्राइवेट के क्वेश्चन 8 अगर तुम शेयर कर लो तो अच्छा हो जाएगा, जल्दी से अगर कर सको। और आप सब लोग इक्वेशन बनाएं, अरिशा शेयर करने के बाद इक्वेशन बनाएगी। अरिशा आप सवाल शेयर करो और आप सब लोग 2017 प्राइवेट की इक्वेशन बनाएं। आज मेरे एंड से खत्म हो रहा है, याद रहे। बस एक बहुत छोटी सी चीज रह गई है, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को फ्राइडे या सैटरडे संडे में कोई से भी दिन जब आप लोग कंफर्टेबल होंगे तो एक 40 मिनट का यूनिट लेके आपको वो बता दूंगा। और वो 40 मिनट भी नहीं, वो तो 10 मिनट 15 मिनट की बात है। लेकिन अभी आप पहले इस पे कमांड बनाएं, इस काम पे इक्वेशन बनाना और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करना। सर कौन सा ईयर है? कौन सा ईयर है? 2017 प्राइवेट, 17 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 8, आमिर केमिकल हैज 4 डिपार्टमेंट्स। मिल गया? यस सर। बिस्मिल्लाह कीजिए और बहुत सुकून से उसमें टेबल को देखिएगा कि वो किस तरह क्या कह रहा है खुदारा, वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा सवाल का, मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा, बता रहा हूं आप लोगों को। अगर आपने उस पिक्चर को सही से समझा नहीं ना जो बनी हुई है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन की, ये 20 नंबर बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि हमारी कौम तो अपनी मर्जी की बात जो सोच ले वही करती है। अरिशा आप बना रही हैं उसकी स्कैन करके फाइल? जी सर मैंने सेंड किए। ओके बेटा जज़ाकअल्लाह। जो इक्वेशन बनाता जाएगा वो मुझे भेजता जाएगा हाथ के हाथ। जो बच्चा इक्वेशन बनाता जाएगा वो मुझे मैसेज करता जाएगा। पहले एक इक्वेशन भेजनी है, सही है, पहले एक इक्वेशन भेजनी है। सामिया कहाँ चली गई यार?
बच्चों इस टेबल को तमीज से नहीं पढ़ा तो इक्वेशन की ऐसी की तैसी और वैसी और पता नहीं क्या क्या हो जाएगी, इसलिए बहुत तमीज से पढ़ना। ऐसे भी देखना, सुन लो, ऐसे भी देखना और ऐसे भी देखना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में देखना है। सी सर्विस देता है 40 किसे तुम्हें पता है, 40 किसे तुम्हें पता है, और सी अपने आप को तो सर्विस नहीं देता, इसीलिए वहां आपकी तरह लिखा हुआ है 0, है ना। तो जल्दी से आप इक्वेशन, बिस्मा ने तो भेज दी माशाल्लाह, 217800 प्लस इंतजार हो रहा है, सामिया से रब्ता हो सके तो उन्हें बोले आ जाएं भाई क्लास में प्लीज। हेमंत बेटा इक्वेशन बनाने का मसला हो रहा है तो बताओ मुझे। हेमन मेरी आवाज सुन पा रही है? टेबल समझ में आ रहा है? नहीं समझ आ रहा। टेबल में मैं फिर बोल रहा हूँ, इधर देखो कर्सर को, मेरे कर्सर को देखो जरा। इस टेबल को, इस टेबल को यूं भी पढ़ना है और इस टेबल को यूं भी पढ़ना है। जब यूं पढ़ेंगे तो सर्विस डिपार्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दो है, उनकी कॉस्ट ये है, लेकिन ये ए पूरा इस तरह चल रहा है, ये बी पूरा इस तरह चल रहा है, ये सी और डी है सर्विस डिपार्टमेंट, ये उनकी कॉस्ट है और ये इसी तरह पूरा चल रहा है। यहां उसने बताया है कि सर्विस जो दी जाती है सी के जरिए से, किसे देता है अमन सर्विस? सी ए और बी को बस। और डी को भी दे रहा है तो बस। सी अपनी सर्विस कॉस्ट का 40% ए को, 40 बी को और 20% डी को देता है, डी को देता है, याद रहे, जोर दे के बोल रहा हूं। मैं आपसे पहले ही बड़े अदब प्यार से कह चुका हूं कि इक्वेशन बनाना ही फन है इस क्वेश्चन में, इक्वेशन बना ली तो जिंदाबाद। अच्छा, और डी अपनी कॉस्ट का 20% ए को, 30% बी को और 50% सी को देता है, और वो खुद कुछ नहीं लेता, जाहिर सी बात है वो अपने आप को अपनी कॉस्ट थोड़ी बांटेगा। अब आप इक्वेशन बनाएं और तेजी से बनाएं। और ये डायरेक्ट मेथड भी इंशाल्लाह अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, अभी हम इसे अलजेब्रिक मेथड से ही डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम इस सवाल को अलजेब्रिक मेथड से ही पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। ये डायरेक्ट मेथड क्या है, ये कोई अलग चीज नहीं है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, इंशाल्लाह ये भी बता दूंगा, पहले फिलहाल बस अलजेब्रिक मेथड से इक्वेशन बनाएं। अरीशा ने इक्वेशन भेज दी है, लेकिन अरीशा की इक्वेशन, अरीशा की इक्वेशन मैच नहीं हो रही बिस्मा की इक्वेशन से। बेटा एवन इक्वेशन बनाने के काबिल हुई या अभी भी नहीं हुई? नहीं बना पा रही तो मैं बना देता हूँ, मसला नहीं है, लेकिन बेटा कितने सवालों में मैं बनाऊंगा मेरा बच्चा? हाँ जी यमन ट्राई कर रही हो? जी सर बना रही हूँ। अच्छा चलो मैं बोलना शुरू करूँ या फिर रुकूँ थोड़ी देर, 2 मिनट? सर एक ही बनी है उससे, तो बनाओ। चलो बताओ क्या लिखा तुमने, बोलो। 217 मैंने सी की बनाई है, 217800 प्लस 20% ऑफ डी, 20% ऑफ डी। अच्छा अब एक बात बताओ, बिस्मा ने भी इक्वेशन बनाई 20%, तुमने भी 20%, लेकिन अरीशा की मैथमेटिक्स या उसको ये रिलेशनशिप जरा अच्छा समझ आ गया, उसने इक्वेशन सही बनाई है, बिस्मा ने भी। सर मैंने 50% बना के दी थी। चल बे तुमने 20% लिख के भेजा है मैडम मुझे, C is equal to 217800 plus 20%, यही लिखा है ना?
रजिस्टर में तो सही लिखा है। अच्छा बेटे अभी मैं तुम्हारा मैसेज सबको भेजता हूँ, तूने मुझे टाइप करके भेजा है। सर मेरे रजिस्टर में सही लिखा हुआ है 217800 प्लस 50% ऑफ दी अच्छा और लेकिन 120,000 प्लस अच्छा एक काम 20% करो ऑफ दी। ना, तुम्हारे सेंट मैसेजेस में तुम्हें खुद ही नजर आ जाएगा कि तुमने मुझे क्या भेजा है, पढ़ो। सी इज जी इक्वल सर मैंने टू गलत भेजा हुआ है। गलत भेजा ना। अच्छा चलो अब सुनो भाई, देखो बात सुनो हेमंत, तुम नहीं समझ पा रही, सिर्फ इत्मीनान से सुन लो। सी की अपनी कॉस्ट है कितनी बोलो, 217800 और सी 20% डी को देगा, वो तो देगा। अबे भाई सी को खुद कितनी मिलेगी, सी को कौन देगा कॉस्ट? 50% हाँ कौन देगा सी को कॉस्ट? डी तो डी अपनी कॉस्ट का 50% देगा सी को, तो सी की एक अपनी कॉस्ट है और इसमें जमा हो जाएगी डी की कॉस्ट का। 50%। समझ आया या अभी भी समझ नहीं आया? बोलो ईमानदारी से, जी सर आ रहे हैं। आ रहा है? चलो तो अब अगली वाली तो आसानी हो गई, जब एक बन जाती है तो दूसरी बनाना मुश्किल ही नहीं है। डी इज इक्वल टू, देखो बस उर्दू के जुमले सुनो मेरे, मैं क्या बोल रहा हूँ, उर्दू के जुमलों पे ध्यान दो। डी इज इक्वल टू 1,20,000, डी की अपनी कॉस्ट है 1,20,000 रुपए, जमा डी को मिल रही है किसकी कॉस्ट? सी की 20% की उसकी कॉस्ट पर अपनी कॉस्ट का देता है डी को कितने परसेंट? 20% आप लिखेंगे 20% ऑफ। सी डी इज इक्वल टू 1,20,000 प्लस 20% ऑफ सी। समझ आया थोड़ा सा? एक और जी एमन, सर। अच्छा एक और सवाल डिस्कस कर लें, बोलो। तो अब इसको यस सर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन तो जी तुम लोग सर बना लोगे ना, इक्वेशन बना के वैल्यू निकाल लेना और वैल्यूज निकाल के कर लेना। अभी एक सवाल और अगर हो जाएगा तो तुम लोग चैंपियन हो जाओगे, फिर आखिरी आखिरी मिनट चल रहे तो अच्छा है, जरा चैंपियन चैंपियन बन जाओ। और ये पूरी 5 ईयर में जहां जहां सवाल आए हैं 14 से 16 के दरमियान, वो सॉरी 14 से 19 और क्या कहते हैं 4 से 2002 से 6 सारे सवाल अटेम्प्ट करने हैं तुम लोगों ने। तो मैं तुम्हें सवाल एक और बोलता हूँ, अगर इजीली अदिशा स्कैन करके भेज सके तो ठीक है, स्कैन ना हो तो ऐसी भेज देना। चलो भाई ये आखिरी सवाल है आज का और हमारे पास मिनट है तकरीबन 8, 8 ही है ना, 15 रेगुलर, क्वेश्चन नंबर 5। अरिशा बेटा आप मुझे लिख के भेजो पहले, पिक्चर शेयर। अच्छा एक काम करो पिक्चर ही भेज दो, चलो छोड़ो स्कैन मत करो, स्कैन करने में अगर टाइम लग रहा है तो पिक्चर भेज दो मुझे बेटा। सही है क्योंकि नजर तो आ रहा है मंदिर, लेकिन देखो स्कैन होने से कितनी अच्छी क्वालिटी नजर आती है, साफ सुथरा नजर आता है। तो एमन सबसे पहले मैं अब तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम मुझे इक्वेशन भेजोगी, 15 रेगुलर, क्वेश्चन नंबर 5, और तुमने इक्वेशन बनानी है बहुत संभल कर, बहुत 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 संभल कर प्लीज। इसमें आप भी मुझे लिख के भेज सकती हैं और ऋषा भी लिख के भेजेंगी, लेकिन पहले अगर सवाल शेयर हो जाए तो अच्छी बात, या अगर सबने सही लिख के भेज दी तो फिर हमें पिक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है, अगर आप तीनों ने सही लिख के भेज दी ना तो हमें पिक्चर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे समझाना ही नहीं पड़ेगा, राइट? अच्छा बिस्मा मुझे एक फेवर दे दीजिएगा, आज की क्लास में हमने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं एयर वाइज वो मुझे लिख के भेज दें, आज की तारीख के नाम से व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, ग्रुप पे कर दें बेशक अपने। और जो कल की क्लास में हमने 2 या 3 जितने सवाल डिस्कस किए थे उनका भी नाम और क्वेश्चन नंबर और ईयर लिख के भेज दीजिएगा, एक अलग मैसेज, दो मैसेज कर दें अलग अलग, कर देंगी प्लीज? यस सर कर दूंगी। थैंक यू थैंक यू। हाँ जी आप सब लोग इक्वेशन बना रहे हैं? हेमंत बना रही हो बेटा? जी सर मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ अभी। हाँ बनाओ आराम से बनाओ, पुरसुकून हो के 4 मिनट है तुम लोगों के पास, मैं खामोश हो रहा हूँ।
इस मुकाबले की विनर करार पाई है अब तक। विषमा तुम ही पढ़ा देना भाई एमन एमन को, आज एमन का दिमाग नहीं चल रहा बेचारी का, हालांकि इतना अच्छा दिमाग चलता है इसका, बेहतरीन पढ़ती है, लेकिन नजर लग गई इसको आज। शाबाश अरीशा, बेशक देर से जवाब भेजा लेकिन सही भेजा, वेरी गुड। एमन भी इंशाल्लाह अल्लाह के सही लिख के भेजेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल परेशान हुआ बगैर एमन, अगर मिस्टेक हो नो प्रॉब्लम मेरा बेटा, गलती से इंसान सीखता है और जब वो सीख जाता है फिर वो गलती नहीं करता, तो तुम अभी तक सीख नहीं पा रही, शायद हो सकता है पिछले सवाल में तुमने सीखा हो जो अभी ये स्क्रीन पे है। अगर तुमने वाकई मेरी बात को सुना और समझा है तो तुम अब सही इक्वेशन लिख लोगी इंशाल्लाह। तो आई होप बिस्मा और अरीशा तो कंफर्टेबल हैं, आप लोग फाइव ईयर खत्म कर लेंगे इंशाल्लाह। यस सर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हम फिर इंशाल्लाह हाँ, हम या तो जुम्मे की शाम को पढ़ते हैं या फिर हफ्ते वगैरह को पढ़ लेते हैं कोई मुनासिब दिन। बस एक 40 मिनट का सेशन ड्यू है मुझ पे, सही है। और अच्छा ये बताओ इसके बाद हमारे टॉपिक, हमने मटेरियल भी नहीं पढ़ा ना, मटेरियल लॉसेस। नो सर। तो मैं मटेरियल लॉसेस आपको पढ़ा दूंगा और या लेबर पढ़ा दूं, दोनों ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक। आपकी लंबी हो रही है यार इस तरह से। अच्छा चलें कोई हल निकालते हैं अल्लाह मालिक के, देखते हैं ठीक है। मैं ले मसला है कि कॉस्ट के दो टॉपिक और पढ़ने हैं अभी आप लोगों को, है ना, ऐसा ही है ना। यस सर। ये जो टॉपिक है ये मिला के कितने हो गए अब हमारे, 5 हो गए। यस सर। हाँ तो सेफ साइड दो और पढ़ने चाहिए हमें, क्या ख्याल है। वैसे तो जो हमारा अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है उससे भी दो बन सकते हैं, जॉब ऑर्डर से भी दो बन सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से भी दो बन सकते हैं, बट अगर हम बुरा बुरा सोचें तो 3 बने इस तरह। चौथा फैक्ट्री लेजर जनरल लेजर हो गया, 5वां FOH डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया। अब अगर अच्छा अच्छा सोचें तो जॉब ऑर्डर और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, किसी एक में से तो एक ज्यादा बन जाएगा। तो 6 साल मैंने आपको इक्वेशन कर दिए क्या मेरा बेटा, इक्वेशन मैसेज कर दी। हाँ B1 इज इक्वल टू, चलो भाई फाइनली A1 भी चैंपियन हो गई, मुबारक हो, बेहतरीन हो गया A1। कैसे, अब मुझे पिक्चर की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। 60,000 B1 की अपनी कॉस्ट है और B2 अपनी कॉस्ट का इसे देता है 20%, सही है। तो इक्वेशन बेहतरीन हो गई, B2 की अपनी कॉस्ट है 5,28,000 और इसे B1 की कॉस्ट का मिलता है 10%। याद रखना एमन, याद रखना एमन, ये लिखने का अंदाज, इक्वेशन बनाने का अंदाज अलग है, और जब तुम सी की कॉस्ट को बांटोगी, क्या बोल रहा हूँ बेटा, जब तुम सी की कॉस्ट को बांटोगी, जैसे ये टेबल बना हुआ है ना, बांटूंगी, तो सी की कॉस्ट को बांटते हुए तुम्हें इसी तरह बांटना है मेरा बेटा। अरे क्या निकाल लिया मैंने कम्बा, ऐसे सी की कॉस्ट को बांटते हुए तुम्हें 40% देना है किसे, ए को, 40% देना है किसे, बी को, और सी अपनी कॉस्ट का खुद तो कुछ लेगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ तो रही है, आवाज नहीं आ रही, आ रही सर, आ गई। अच्छा सी अपनी कॉस्ट का 40% ए को देगा एमन, सी अपनी कॉस्ट का 40% बी को देगा, और क्या एमन सी अपनी कॉस्ट का खुद भी कुछ लेगा। आपका इंटरनेट डिस्टर्ब हो रहा है मेरा ख्याल है बेटा, आप सुन लो मैं दोबारा बोलता हूँ एक बार,
बेटा एमन जब सी की कॉस्ट बांटोगी तो 40% ए को मिलेगी, 40% बी को, और सी अपनी कॉस्ट खुद नहीं लेगा बल्कि वो अपनी कॉस्ट का 20% किसे देगा, डी को। सही है, मुझे पूरा यकीन है तुमने इक्वेशन सही बनाई है। एमन चली गई बेचारी, आ गई एमन, अब आवाज आ रही है, जल्दी बताओ। जी सर आ रही है। बेटा आखिरी मिनट चल रहा है, गौर से सुन लो। सी अपनी कॉस्ट का 40%, तुमने इक्वेशन सही बनाई है, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही बनाई है, देर से बनाई लेकिन सही बनाई। 2002 से 6 में ढूंढना ये सवाल, और 14 से 20 में, बस ये तुम लोगों ने कंप्लीट करना है, ये तुम्हारा असाइनमेंट है, होमवर्क है, इसको ग्रुप पे बोल देना मैसेज को ताकि सामिया सुन ले। और सी, और जब देखो इक्वेशन बनाते हुए अंदाज अलग है एमन, लेकिन जब तुम कॉस्ट बांटोगी ना सी की, तो सी की जो भी कॉस्ट होगी वो 40% बटेगी ए को, 40% बटेगी बी को, और 20% बटेगी किसे मेरा बेटा, डी को। संभाल लोगी सवाल, कर लोगी इंशाल्लाह। जी सर। बस सही है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से कल का गैप देने के बाद या तो जुम्मे को मुलाकात हो रही है, कोशिश करूंगा आधा एक घंटा, दो घंटा, डेढ़ घंटा, तीन घंटे पहले मैसेज कर दूं आपको, वरना फिर फ्राइडे नहीं तो सैटरडे, इन दोनों में से किसी एक दिन। सैटरडे को मुलाकात हुई तो 9 बजे के बाद होगी, फ्राइडे को मुलाकात हुई तो जल्दी कर लेंगे थोड़ा, ठीक है।